अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण टेक। और साथ में मैं हूं रुबीउल हसन। आज की वीडियो में बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग में बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करने का तरीका बता दूंगा। अगर आपने बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग से दूसरा कोई को रियल बिजनेस चाहता है तो लाजिम बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग में बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करने की आधा घंटा बाद में आपने उसकी अकाउंट में रियल बेच सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो की कॉर्नर में आई बटन में क्लिक करिए, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। यहाँ बैंक मास्कट ATM CDM और मोबाइल बैंकिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हूँ कैसे बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग में बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करते हैं। दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग में बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करने के लिए पहले बैंक मास्कट ऐप ओपन कीजिए। बैंक मास्कट ऐप ओपन करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा, वेट करिए। लोडिंग लाने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, तो इसमें अभी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन में क्लिक करता हूँ। इसके बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा, वेट करिए। लोडिंग लाने के बाद ऐसा एक पेज आ चुके हैं, तो इसमें आपके नाम, आपकी अकाउंट नंबर और आपकी अकाउंट बैलेंस शो हो जाएगा। अगर आपने आपकी मोबाइल बैंकिंग से किसी को रियल बिजनेस चाहता है तो लाजिम पहले उसकी अकाउंट नंबर आपकी मोबाइल में ऐड करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए देखिए, इसमें स्क्रीन के नीचे है ट्रांसफ़र, आप लोगों ने ट्रांसफ़र ऑप्शन में क्लिक कीजिए। ट्रांसफ़र ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो इसमें देखिए ऊपर है विथिंग बैंक मास्कट, आप लोगों ने विथिंग बैंक मास्कट में क्लिक कीजिए। विथिंग बैंक मास्कट में क्लिक करने के बाद और चार ऑप्शन आ चुके हैं, तो इसमें देखिए ऊपर है मैनेज योर बेनिफिशियरीज, आप लोगों ने मैनेज योर बेनिफिशियरीज में क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद आप लोगों ने देखते हैं ऐसा एक पेज आ चुके हैं, तो इसमें मैं पहले से ऑलरेडी 3 आदमी को ऐड करके रखा, तो मैं अभी और एक आदमी को ऐड करेगा। तो देखिए इसलिए स्क्रीन में है ऐड बेनिफिशियरी, आप लोगों ने ऐड बेनिफिशियरी में क्लिक कीजिए। ऐड बेनिफिशियरी में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद ऐसा एक पेज आ चुके हैं, तो इसमें नीचे देखिए व्हाट नाइक नेम ओल्ड यू लाइक टू यूज़, यानी आपने जिसकी अकाउंट नंबर आपकी मोबाइल बैंकिंग में ऐड करना चाहता है उसकी नाम इसमें लिखना चाहिए। तो मैं मेरा दोस्त की नाम लिखता हूँ, मेरा दोस्त की नाम उमर फारूक। उमर फारूक लिखने के बाद नीचे है व्हाट इज द अकाउंट नंबर, तो इसमें उसकी अकाउंट नंबर डालना चाहिए, मैं मेरा दोस्त की अकाउंट नंबर डालता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे है कंटिन्यू, आप लोगों ने कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कीजिए। कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा, वेट करिए। लोडिंग लाने के बाद ऐड बेनिफिशियरी शुमारी, इसी ऑप्शन में नाम और अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो आपने यहाँ से कैंसिल में क्लिक करके बैक जा सकते हैं। तो यहाँ मेरा सब कुछ बराबर है, इसलिए मैं कन्फर्म में क्लिक करता हूँ। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, तो इसमें बैंक मास्कट से OTP एक मैसेज सेंड करेगा। ऑलरेडी मेरा मोबाइल में मैसेज आ गया, अगर आपकी सिम कार्ड दूसरा मोबाइल में है तो उसी मोबाइल से कोड नंबर लेके इसमें डालना चाहिए। तो मेरा सिम कार्ड इसी मोबाइल में है, इसीलिए इसमें कोड नंबर ऑटोमेटिक एंट्री हो गया, इसलिए कन्फर्म में क्लिक करता हूँ। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद आप लोगों ने देखते हैं सक्सेस बता रहा है, तो नीचे है बेनिफिशियरी एडिट सक्सेसफुली, और इसके नीचे है बेनिफिशियरी विल बी एक्टिवेट आफ्टर 30 मिनट्स, यानी अभी से आधा घंटा के बाद मोबाइल बैंकिंग में बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड हो जाएगा, तो बाद में आपने इसकी अकाउंट में रियल बेच सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीका में बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग में बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करते हैं। अगर इस वीडियो आप लोगों की फास्ट थोड़ा भी पसंद हुए तो एक लाइक कीजिए और कमेंट करिए, और आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करिए।